अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज एक बहुत ही स्पेशल शाम है और आप सभी देश प्रेमी नागरिक इस स्टेडियम के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे देश और हमारे देश के सैनिकों के लिए भारतवासियों के दिल में सम्मान और आदर जगाने के लिए आयोजित किए गए प्रोग्राम वन फॉर ऑल फॉर वन में आप सभी का अभिनंदन। मैं अदा खान अथर्वा फाउंडेशन की तरफ से आज आप सभी का इस समारोह में स्वागत करती हूँ। हमारी मातृभूमि के लिए हम वंदे मातरम के बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण से और सभी आए हुए मुंबई के देश प्रेमियों से मेरी आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। सभी लोगों का दिल देश प्रेम और हमारे सोल्जर्स के प्रति सम्मान से भर चुका होगा। ज्यादा टाइम न लेते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे अमर जवानों के परिवार के सदस्यों को जो आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। सम्मान के रूप में अथर्वा फाउंडेशन की तरफ से हर परिवार को सम्मान पत्र, मान चिन्ह, एक शॉल और 2 लाख की राशि दी जाएगी। इस सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है। इस मिट्टी से कर प्यार क्योंकि भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। और 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहने वाले वो जवान, अपने तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने वाले वो जवान जो हमारे देश की आन बान और शान है, तभी तो इंडियन आर्म फोर्सेस हिंदुस्तान का अभिमान है। प्लीज वेलकम कमांडिंग ऑफिसर INS कर्ण कैप्टन वरुण सिंह जी।